हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ शीबा। आज की हमारी रेसिपी है मटर पनीर। तो फ्रेंड्स, ये मटर पनीर की सब्जी एक बहुत ही क्विक रेसिपी मैं आज दे रही हूँ, जिसे आप मॉर्निंग में टिफिन के लिए भी आप इसको बना सकते हैं। तो आइए इस पर एक हम नजर डाल लेते हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स पे। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले लिए है मटर। ये हमारे पास मटर है 200 ग्राम, ये मेरे पास फ्रोजन मटर है। और साथ में मैंने लिया है पनीर। पनीर भी मैंने 200 ग्राम ही लिया है, जिसको मैंने अपने मन चाहे साइज में इसको कट कर लिया है। तो आप भी इसको अपना क्यूब्स में या जैसे भी आपको पसंद हो बड़े साइज में आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। और इधर मैंने लिए हैं 2 बिग साइज टोमेटोज, जिन्हें मैंने कद्दूकस कर लिया है। आप चाहे तो इसे अच्छे से चॉप कर सकते हैं। 1 अनियन मैंने लार्ज लिया है, इसे भी मैंने अच्छे से चॉप कर रखा है। और कुछ स्पाइसेस की जरूरत पड़ेगी, जिसमें मैंने लिया है नमक, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी यानी कि टर्मरिक, ये मेरे पास है गरम मसाला, ये मैंने थोड़ी ग्रीन चिलीज ले रखी हैं जिनको मैंने चॉप कर रखा है, ग्रीन कोरिएंडर मैंने लिया है, इसे भी मैंने चॉप कर लिया है। और साथ ही हमें जरूरत पड़ेगी अदरक लहसुन के पेस्ट की। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो हमने अपनी कढ़ाई रख ली है और इसमें हम ऑयल लेंगे। सबसे पहले हमने लगभग 1/2 कप ऑयल लिया है और इसमें हमने डाल दिया है जीरा। तो आप देख सकते हैं मैंने अपनी कढ़ाई रख ली है, जिसमें मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है और साथ ही मैंने जीरा डाल दिया है 1/2 टीस्पून। और अब हम डालेंगे इसमें अपनी अनियन यानी कि प्याज, बहुत ही फाइन चॉप है। अब इसे हमें थोड़ी देर इसी तरह से हम इसको फ्राई करना है, हमें सिर्फ इसके सॉफ्ट हो जाने तक इसे हमें फ्राई करना है, यानी कि हम बस 2 मिनट इसको फ्राई करेंगे। तो हमारी प्याज थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो चली है। अब हम डाल देंगे इसमें 1 टीस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, इसे भी हमें 2 मिनट इसको ऐसे ही फ्राई कर लेना है, ताकि इससे मसालों का कच्चापन इसका निकल जाए। और अब हम इसमें डाल देंगे अपने मसाले, इन्हें भी हमें मसालों को अच्छे से भून लेना है। 2 मिनट इसको भी हम कुक कर लेंगे। और अब हम डाल देंगे इसमें अपने 1 टोमेटोज, जिन्हें हमने कद्दूकस करके रखा हुआ है। इसमें नमक डाला हुआ है, तो ये टोमेटोज वैसे भी गले हुए हैं और ज्यादा गल जाएंगे इसे। अभी हम थोड़ी देर 2 मिनट इसको हम कवर कर देंगे, कवर करके इसे हमें पकने देना है। तो देखिए हमारा कितने अच्छे से पक रहा है मसाला। इसे अब हमें ऐसे ही चलाते हुए ही पकाना है, जब तक ये खूब अच्छे से ये मसाला भुन न जाए और ये हमारा मसाला भुन कर एकदम ऑयल ना छोड़ दे। इसे हमें थोड़ी देर तक इसी तरह से चलाते हुए ही पकाते रहना है। अब हम डाल देंगे इसमें अपने मटर, ये हमारे फ्रोजन मटर है, इन्हें भी हम साथ साथ कुक कर लेंगे। तो इसमें ये मसाला भी हमारा भुनता रहेगा और साथ साथ हमारी ये मटर भी इसमें और सॉफ्ट हो जाएंगे। वैसे तो हमारे मटर भी फ्रोजन है, सॉफ्ट ही है, तो हमें कोई ऐसा नहीं है कि हमें बहुत टाइम लगाना है। तो ये हमारा मसाला भी भुन रहा है साथ साथ और ये मटर भी हमारी कुक होती जाएगी। देखिए कितने अच्छे से ऑयल छोड़ दिया है मसाले ने। और अब हम इसमें डाल देंगे अपने पनीर, पनीर क्यूब्स ये हम इसमें डाल देंगे और इन्हें अभी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए कितना अच्छा फ्लेवर आया है इसका, बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। और कितनी क्विक रेसिपी है ये, आप इसको मॉर्निंग में बना सकते हैं, किसी गेस्ट के आने पे भी बना सकते हैं, आप डिनर पे बना सकते हैं। ये हर टाइम चलने वाली वेजिटेबल है ये रेसिपी बहुत ही लजीज बन के तैयार हो रही है। तो इसे हमें थोड़ी देर और पकने देना है। अगर आपको थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए है तो इसमें आप 1/2 कप वाटर ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसे ही सूखी सब्जी पसंद है तो आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं टिफिन के लिए।
देखा आपने कितनी जल्दी ये बनके तैयार हुई है मेरी मटर पनीर की वेजिटेबल। और अब हम इसमें डाल देंगे हमारा गरम मसाला पाउडर, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितनी जल्दी ये सब्जी बनके तैयार हुई है हमारी। अब हम अपनी फ्लेम ऑफ कर देते हैं क्योंकि हमारी वेजिटेबल ये बनके तैयार हो गई है, और इसे हम कवर कर देते हैं और 2-3 मिनट के बाद फिर हम इसको दोबारा उसको देखेंगे ताकि मसाले इसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। इसमें हम अपना ये ग्रीन चिली तो डालना भूल ही गए फ्रेंड्स, अब आप ये बीच में डाल सकते थे लेकिन अब मैं लास्ट में डाल रही हूँ, साथ ही ग्रीन कोरिएंडर भी मैंने इसमें डाल दिया है। और इसे भी हम मिक्स कर देते हैं, एक अच्छा सा हमने मिक्स दे दिया इसका। बहुत ही कलरफुल वेजिटेबल हमारी बनके तैयार हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी बहुत ही क्विक मटर पनीर बनके तैयार हो गई है और बहुत जबरदस्त बहुत ही लजीज बनके तैयार हुई है। इसे आप अपने टिफिन में बनाएं, बच्चों को दें या अपने ऑफिस के लिए बनाना चाहें तो ये बहुत ही क्विक बनने वाली वेजिटेबल है। तो इसे आप जरूर बनाएं, जरूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।